भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमने पुनर्विचार याचिका दायर की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम अर्ली हियरिंग के लिए निवेदन कर रहे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के बिना पंचायत के चुनाव होना अन्य पिछड़ा वर्ग के हित में भी नहीं है, प्रदेश के हित में भी नहीं। एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिससे प्रदेश को बाहर निकाल दिया। इसके लिए सरकार हर संभव प्रयत्न करेगी। आज सदन में मैंने ये प्रस्ताव रखा, ये संकल्प सदन ने किया है। मैंने संकल्प रखा कि ये सदन संकल्प करता है कि बिना अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के पंचायत के चुनाव ना किए जाएं। सदन ने सर्वसहमति से प्रस्ताव पास किया कि बिना आरक्षण के कोई चुनाव नहीं होगा। मैं सबका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। परसों हमने ये बात रखी थी, मैंने ही सदन में ये बात रखी थी कि हम प्रस्ताव पास करें। हमने सदन में रखा था कि हम आपकी पूरी मदद करने को तैयार हैं। पर मैं जाना चाहता हूँ, डेढ़ साल पहले जब इनकी सरकार बनी, डेढ़ साल से ज़्यादा इनके जिम्मेदारी थी पंचायत चुनाव करवाएं। हमने रोटेशन करवा दिया था, हमने परिसमन करा दिया था, आप उसमें संशोधन कर लेते अगर आप राजी नहीं थे। डेढ़ साल आपने नहीं करवाया, कहते कोविड था। 28 उपचुनाव हो गए और पर पंचायती चुनाव ये नहीं करवा रहे थे, तब बिना रोटेशन के और बिना परिसमन के इन्होंने कहा हम चुनाव कराएंगे और बिना आरक्षण के। हम कोर्ट गए रोटेशन के इशू पर। ये उलझाना चाहते हैं कि इनके पास कहने को कुछ नहीं है, झूठ बोलने में तो माहिर हैं।